सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल एनजी चैनल को और साथ में इस बेल आइकन को जरूर दबाएं नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आप मोबाइल में कौन सा एंटीवायरस रखना चाहेंगे या फिर आप रख सकते हैं। और एक एंटीवायरस है जो कि आप उसे अच्छी तरह जानते हैं, अगर आप जियो यूज़ करते हैं तो जियो सिक्योरिटी नाम से एक यहाँ पे एक एंटीवायरस आप इसको बोल सकते हैं। और ये आपके मोबाइल के लिए काफ़ी लाभदायक हो सकता है, काफ़ी बेनिफिट आपको मोबाइल को देता है। तो ये कैसे यूज़ करना है इसको, आइए इस वीडियो में देखते हैं। सबसे पहले आप अपने जो है गूगल प्ले स्टोर को ओपन करिए और इसे आप डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। यहाँ पर आप टाइप करेंगे जियो सिक्योरिटी, इस तरीके से देख सकते हैं कि जियो सिक्योरिटी आपने टाइप किया तो ये एप्लीकेशन इस तरीके से आपको मिलती है। और मैंने इसे पहले ही इंस्टॉल कर रखा है। आप देख सकते हैं कि इसकी जो रेटिंग है वो कितनी बढ़िया रेटिंग है, 4.5 की रेटिंग है और 10 मिलियन डाउनलोड्स ये हो चुके हैं। इसके रिव्यूज़ पढ़ेंगे तो काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ आपको इसमें मिल जाएंगे क्योंकि ये एप्लीकेशन बहुत अच्छी है। तो इसको ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ एग्री करना है, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए और आप टर्म एंड कंडीशन यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इसमें यह है कि एक फीचर एंटी थेफ्ट का फीचर भी यहाँ पर आया है तो उसे भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो उससे पहले देख सकते हैं कि पावर्ड बाय नॉर्टन सिक्योरिटी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी ट्रस्टेड एप्लीकेशन ये आपके लिए हो सकती है। तो जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक किया तो यहाँ पे इसका जो सेटअप है कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे अगर आप जियो सिम यूज़ करते हैं तो डायरेक्टली स्किप साइन इन पर क्लिक कर दीजिए, और अगर आप जियो सिम पहले यूज़ करते थे तो आप इसका यूजर नेम पासवर्ड बना सकते हैं यहाँ पर क्लिक करके। तो हम सीधे स्किप साइन इन करेंगे, और क्योंकि हम जियो यूज़ कर रहे हैं तो स्किप साइन इन करेंगे तो डायरेक्टली ये साइन इन हो जाएगा। इस तरीके से देख सकते हैं कि ये इस ऑटोमेटिकली साइन इन हो चुका है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो जियो सिक्योरिटी है यहाँ पे कुछ अपडेट यहाँ पे हो रहा है, और इसका जो इसमें फीचर है एंटी मालवेयर प्राइवेसी, तो यहाँ पे स्कैन कर सकते हैं और स्कैन शेड्यूल भी आप इसमें कर सकते हैं। आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे कुछ है ऐप एडवाइज़र की कौन सी एप्लीकेशन आपके फ़ोन को हार्म कर सकती है और कौन सी एप्लीकेशन आपके फ़ोन के लिए सेफ है। और यहाँ पे है ऑनलाइन वेब प्रोटेक्शन, और यहाँ पे आपको मिलेगा एंटी थेफ्ट, यहाँ पे आप डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे है जियो सब्सक्रिप्शन एक्टिव, यहाँ पे अगर आप जियो सिम यूज़ कर रहे हैं तो आपका सब्सक्रिप्शन तो फ्री मिल जाएगा आपको। तो चलिए हम देखते हैं ये हमारे डिवाइस को स्कैन कर रहा है और क्या रिजल्ट आता है हम यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो डिवाइस है पूरी तरीके से स्कैन कर दिया है और यहाँ पे नो मैलवेयर डिटेक्टेड, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो प्राइवेसी में कुछ जो एप्लीकेशन है वो आपकी प्राइवेसी को लीक कर रही हैं। कौन कौन सी एप्लीकेशन है यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि मैं पेटीएम गोल्डन गेट एप्लीकेशन मैंने यहाँ पे इंस्टॉल करी हुई है, तो यहाँ पे ये जो है आपकी लोकेशन को ट्रैक करके पेटीएम को भेजता रहता है। और देखिए मेरे फ़ोन में इसने बता दिया कि कौन सी एप्लीकेशन आपके जो डेटा को लीक कर रही है कंपनी को या फिर अदर साइट में वो भेज रही है। तो इसी तरीके से जो भी एप्लीकेशन आपके फ़ोन में आपके डेटा को लीक कर रही हैं तो वो ये एप्लीकेशन आपको तुरंत ही बता देगी। और आप ऐसी एप्लीकेशन से बच सकते हैं या फिर आप उन्हें लोकेशन परमिशन को डिसेबल कर सकते हैं ऐसी एप्लीकेशन की, तो काफ़ी फ़ायदेमंद एप्लीकेशन है। और आप यहाँ पर ऐप एडवाइज़र में क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर भी आपको दिख जाएगी कौन सी एप्लीकेशन यहाँ पर आपके हार्मफुल है और कौन सी एप्लीकेशन आपके लिए आपके फ़ोन के लिए बेनिफिट है। और अगर आप ऑनलाइन बहुत ज़्यादा सर्च करते हैं या फिर ऑनलाइन पेमेंट वगैरह करते हैं तो वेब प्रोटेक्शन भी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। और यहाँ पर एंटी थेफ्ट का एप्लीकेशन ऑप्शन है तो यहाँ पर आप इसको सेटअप करके एंटी थेफ्ट पे क्लिक कर सकते हैं और अपने मोबाइल को सेव कर सकते हैं। कॉल ब्लॉकिंग का ऑप्शन भी यहाँ पे आपको मिल जाता है। अब जाते हैं एप्लीकेशन सेटिंग में तो देखते हैं कि कौन कौन सी यहाँ पे आपको सेटिंग मिल जाएगी। देखिए देख सकते हैं कि टर्न ऑन नॉर्टन कम्युनिटी वॉच यहाँ पे ऑन कर रखा है हमने। डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर को आप कर सकते हैं, ये एंटी थेफ्ट के काम आता है। और यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको बहुत सारी एप्लीकेशन यहाँ पे बहुत सारा सिक्योरिटी सेटिंग्स यहाँ पे मिल जाती हैं।
तो दोस्तों ये एप्लीकेशन बहुत अच्छी है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं और इसमें बिल्कुल आपको एडवर्टाइजमेंट देखने को नहीं मिलेंगे जैसे कि दूसरी एप्लीकेशन मिलती हैं। और ये बिल्कुल फ्री है, एक्टिवेटेड एप्लीकेशन है, आप इसे यूज़ करिए। अगर आप जियो सिम यूज़ करते हैं तो ये आपके लिए, आपके फ़ोन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और इसको यूज़ करने से आपके फ़ोन को कोई भी डैमेज नहीं होगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलता हूँ नए वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।